मोदी जी बोलते हैं सब चंगा सी, ये जितनी भी आपको यहाँ पे बोरियां दिख रही हैं सब चंगा सी। इसमें हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस बोरी के मजबूत कंधों पर जो जिम्मेदारी दी गई है इसमें भरा क्या हुआ है। कंक्रीट की रेलिंग होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पर रेलिंग है बोरियों की। इतनी सारी मात्रा यहाँ पे बोरियाँ रखी गई हैं और ये सच्चाई है। इसमें संभवतः मुरूम है, हम इसको दिखाते हैं, आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए। ये है विकास। अगर आप विकास देखना चाहते हो तो आपको विकास देखने को मिल जाएगा मध्य प्रदेश के सीधी और सिंगरौली जिले को अलग करने वाली इस गोपद नदी के पुल पर। आपके सामने ये जो मटेरियल पड़ा हुआ है, हमने इसको अभी बोरी को खोल कर दिखाया, इस बोरी को हम पैक कर देंगे। किसके माइंड में ऐसा नमूना आया, हमारा हाथ भी गंदा हो गया, किसके माइंड में ये विचार आया होगा कि इन बोरियों को रखा जाए सेफ्टी गार्ड की तरह, रेलिंग्स लगा कर रखा है। दोस्तों हम आपको बता दें, ब्रिज में रेलिंग्स होती हैं पेडेस्ट्रियन वालों के लिए, यानी कि जो लोग यहाँ पे पैदल चलते हैं उनके लिए होती है, ट्रैफिक की सेफ्टी के लिए रेलिंग्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे रेलिंग्स काहे की हैं, रेलिंग्स हैं बोरिया की। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले, लगभग 1.5 से 2 महीने पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी हमने आफ्टर एक्सीडेंट कवरेज भी की थी। और ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है आगे का, इसी पोर्शन पर एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में लोगों की जान चली गई थी। सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट हुआ था इस ब्रिज पर। एक तो इतनी सकरी पुलिया है, इस मुंडी पुलिया पर रेलिंग्स नहीं है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था और लोगों की जान चली गई थी। आए दिन इस पुल पर एक्सीडेंट होते रहते हैं लेकिन शासन और प्रशासन के लोग इसकी खबर नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, पैदल चल रहे हैं। भाई साहब, घर कहाँ है आपका? बहरी घर है आपका। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था, आप लोगों को पता है? हाँ, ट्रेलर पिकअप। क्या हुआ था? वो पलट गई थी। काहे पलट गई थी? वो टक्कर मार दिया था ट्रेलर वाला टक्कर मार दिया था। अभी हम पुल के बीच में हैं, कुछ वाहन आने जाने में समस्या होगी इसलिए हम जरा थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। ये बताइए, यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ और वर्तमान में पुल के लेफ्ट और राइट दोनों साइड, उधर देखिए आप कैमरे में देखिए, वर्तमान में पुल के लेफ्ट और राइट दोनों साइड बोरिया रखी हुई है और बोरिया में, हमने एक बोरिया वहाँ पे खोल के दिखाया है, बोरिया में मुरूम भर के रख दिया गया है। क्या बोलेंगे इस पे? होगा रखा है मुरूम। कितना काम करेगा ये? ये कुछ नहीं कर पाएगा काम। तो रखे क्यों गए? रखा क्यों गए? रखा कौन है? अब कोई पता नहीं कौन रखा होगा। यहाँ पे मुरूम रख के बोरिया में और काम चला रहे हैं, क्या बोलेंगे इस पे? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए शासन होगा जिम्मेदार। आप लोग, यहाँ आपका घर भी है, क्या बोलेंगे इस पर? और कुछ हम लोग का शासन खुद ही नहीं कर रहा है कोई काम यहाँ पे। चलिए, क्या नाम है भाई साहब आपका? इधर आ जाइए, घूम जाइए, क्या नाम है आपका? यहाँ के प्रॉपर है ही नहीं। आप यहाँ के प्रॉपर नहीं है लेकिन आप कहीं और नमूना देखे हैं किसी भी पुल पर बुरिया रखा हुआ? नहीं, आज तक नहीं देखे। कहाँ के हैं आप? रीवा भैया। रीवा के हैं? रीवा की पुल पर भी ऐसी बुरिया रखी जाती है? नहीं, वहाँ तो रेलिंग पूरा काम है, पूरा रेलिंग का काम है। और पता है आप अभी कहाँ है? ये तो बाहरी है। सिंगरौली जिले और सीधी जिले को अलग करने वाला जो गोपद नदी का पुल है, अभी हम उस पुल पर खड़े हुए हैं और इस पुल पर अजीबो गरीब विश्व का 8वां अजूबा, पुलिया पर रेलिंग्स होनी चाहिए, साइड में बैरियर्स होने चाहिए लेकिन बैरियर्स ना हो करके यहाँ पर क्या है, बोरिया रख दी गई है। क्या बोलेंगे इस पे? बोरिया में काहे कुछ होगा? बोरिया में, हमने एक बोरिया खोल के दिखाया, वहाँ पे मुरुम रखी हुई है उसमें। हाँ, डेंजर तो लिखा है यहाँ पर, आप लोग और देख सकते हैं, कॉजन डेंजर। ये कैमरामैन से बोलेंगे किसको दिखाने का कोशिश करें। मेन एट वर्क, यानी कि लोग यहाँ पे कार्य में हैं, खतरा है। और इस बोरिया को खोलने में हमारे हाथ गंदे हो गए हैं और जब हाथ गंदा है तो हम कोशिश करेंगे कि इस बोरी को हम फिर से यथावत जिस रूप में था उसी रूप में बंद करके और पैक करके यहाँ पे रख दें, क्योंकि ये
महत्वपूर्ण पार्ट है, इसके मजबूत कंधों पर जिम्मेदारी है इस पुल के सुरक्षा की, यहाँ पे चलने वाले लोगों की। फिलहाल आप हमें देख रहे हैं YouTube चैनल टॉक विद शुभम पाठक पर। अगर आप यह वीडियो Facebook पर देख रहे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। दुनिया का आठवां अजूबा था, हमने दुनिया को आठवें अजूबे से आपको रूबरू करवाया। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।